and why it sounds so different from the other romance languages. The handy ticketing screens are behind you and will provide all the answers. अब क्या भूल गया? तुम कह रहे थे कि बॉलीवुड मूवीज के रिव्यू करोगे? ओह हाँ, मैंने तो कभी रिव्यू बनाया ही नहीं। सुन मेरी बात, जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है। It's your choice. Hello and welcome back to my channel. आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ बॉलीवुड सीक्वल्स. So, let's do it. Not as good as the original one, पर स्टोरी अच्छा था और सॉन्ग्स भी अच्छे थे, इसलिए वन थम्स अप. जितने भी सीक्वल्स बना लो, हेरा फेरी लेवल की कॉमेडी नहीं बना सकते, ये मैं लिख के दे दूंगा. बना दिया, नहीं बनाना था. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को पाकिस्तान में नहीं रिलीज करेंगे. तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान पे इतना एहसान क्यों? See, that's how you make a sequel. Original script, standalone movie, new environment, character developed, some new better characters. Okay. Not up to the level, but चलेगा. One thumbs up. इस फिल्म के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस स्टैंडिंग ओवेशन. मैंने थोड़ी देर पहले ही स्टैंडिंग ओवेशन दी थी. क्या किया तुमने? सॉरी, मैं थोड़ा ये सर्च कर रहा था कि ये फिल्म कब रिलीज हुई. व्हाई? आई मीन व्हाई? नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल. इट्स अ फिल्म विदाउट अ स्क्रिप्ट. यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि रेस थ्री सीक्वल नहीं है, ये रीबूट है. ऐसे भी कुछ और फिल्म्स हैं जो हमें लगता है कि सीक्वल्स है लेकिन वो सीक्वल्स नहीं, रीबूट है. फॉर एग्जाम्पल, आशिकी 2, हाउसफुल सीरीज, हेट स्टोरी सीरीज, मर्डर सीरीज, गोलमाल सीरीज, जिस्म 2. ओके, हर डिकेड में बॉलीवुड में एक सुपर हीरो मूवी बनती है. चलो इसका रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन सॉन्ग्स अच्छे थे. कोई तुमसा नहीं, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, क्रिश 3. इस बारे में कुछ कहूं कि ना कहूं, बहन ट्वीट करेगी. बाप बेटे मिलकर एक साथ मेमोरीज बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मूवी जाए भाड़ में. Bad quality, double standard, it's not entertaining, it's offensive. ये फिल्म ओरिजिनल फिल्म के 30 साल बाद रिलीज की गई और कई लोग ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे में अक्सर गलतियां हो जाती हैं. Just leave it there. It's a masterpiece. 5 stars. बहुत साल बाद, like 30 to 40 years बाद इस मूवी को याद किया जाएगा. जॉली एल भी 2 थम्स अप. 2 थम्स अप. इस फिल्म को स्पेशली अल्पाचिनो को दिखाया गया, जिनको पता नहीं कि अल्पाचिनो कौन है. अल्पाचिनो हॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे माफिया और गैंगस्टर फिल्म्स में काम किया है. फॉर एग्जांपल, द गॉडफादर सीरीज, स्कारफेस और रिसेंटली द आयरिशमैन. मैं ये सोच रहा था कि उन पर क्या गुजर रही होगी जब वो ये सीन देख रहे होंगे. जावेद, दूध में नींबू जिसने डाला, पनीर उसका.
content, acting, mind-blowing, fantastic, outstanding. Okay. So, student of the year. Hello? That was Kejo. वो बोल रहे थे कि अगर मैं इस फिल्म के बारे में कुछ कहूँ तो वो मुझे स्कूल ऑफ नेपोटिज्म में एडमिशन लेने नहीं देंगे. Who cares? चलेगा. This movie was unnecessary. मैंने ये पिक्चर देखा ही नहीं. Thank you everyone for watching this video. कोई बात दिल पे लेने का नहीं, just for fun. अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और फिल्म से रिव्यू करूं, then please comment below. Stay safe, stay at home and